है, मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट नहीं करती, वेरी नहीं करती है। चलो एक कहता है ए थर्ड लॉ स्टेट दैट द केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट पीरियडिक रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। अच्छा केपलर्स लॉ दे दिया, ठीक है। इफ द मास ऑफ द सन एंड प्लैनेट न्यूटन थर्ड लॉ, ये सब कुछ तो दे ही दिया यार। अच्छा द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड कैपिटल के, अब आप केपलर्स लॉ किए हो गए, डेरिवेशन किए हो गए, तो एक बच्चा है जिसको केपलर्स कांस्टेंट याद है, बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर क्यू होता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के अपन आर स्क्वायर, और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फोर पाई स्क्वायर जीएम होती है, केपलर्स वाला कांस्टेंट। ये केपलर्स के जो इक्वेशन होते हैं उसमें इस प्रोपोर्शनलिटी के हटाने पे एक कांस्टेंट आता है जो मैं पढ़ाता हूँ, तो डायरेक्ट उसको यहीं लिखवा देता हूँ, ठीक है। एक बच्चा जो इसको याद करके गया है, ठीक है, और वो क्या करेगा, उसको याद है कि के की वैल्यू इतना होती, तो डायरेक्ट टिक कर देगा, बोलेगा कि फोर्थ ऑप्शन सही है, उसका टाइम बच गया। अब एक बच्चा जिसको याद ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा, वो डिराइव करेगा, वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो ये मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको याद करना सिखाता हूँ, मैं कर रहा हूँ कुछ अच्छे रिजल्ट, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, जो अच्छी फैकल्टी से पढ़े हो उनके नोट्स पढ़ो यार, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। चलो अब इसको मैं डिराइव करता हूँ, देखो अब मैं तुमको बहुत आसान तरीके से डिराइव करना बताता हूँ। अब अगर ये सेटेलाइट है रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पर सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और दैट इज ग्रेविटेशनल सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स आर की पावर स्क्वायर। ये होता है, ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। अगर मास ऑफ द अर्थ m है और इस सेटेलाइट का मास m है और ये रेडियस r है, तो इसके लिए ये इक्वेशन होल्ड होगा। सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा यार, ग्रेविटी से ही तो मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास m, अब हमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व करना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, रटे हो ना, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी होता है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2, तो ये 4 पाई स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपन आर की स्क्वायर, ठीक है। तो एम ने एम को, बाकी कोई किसी को नहीं काटा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर ऊपर कैपिटल जी एम और आर की पावर क्यू, ठीक है। तो यही इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू। जब हम केपलर्स का लॉ, देखो केपलर्स का लॉ प्रूव करते हैं, ये प्रूव करते तो वही आ जाता है, ठीक है। चलो तो ये कांस्टेंट फोर्थ ऑप्शन।